हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक व्लॉग। दोस्तों, मेरी पिछली वाली वीडियो पे काफ़ी सारे भाइयों को कमेंट्स आए थे कि आप FK78 वॉच का रिव्यू कीजिए, उसकी अनबॉक्सिंग कीजिए। तो मुझे लगा इस वॉच को परचेस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी ये। बट परचेस कहाँ से करूँ, क्योंकि ये वॉच दिल्ली और मुंबई में तो आपको आसानी से मिल जाएगी, बट और शहर में मिलना मुश्किल रहता है इसका। तो मैंने इससे पहले दिल्ली के सेलर से परचेस किया था कुछ प्रोडक्ट, और उसमें मुझे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो मुझे लगा इसे ट्रस्टेड वेबसाइट से खरीदना चाहिए ताकि रिस्क ना हो, तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया और फ्लिपकार्ट में मुझे 3,700 रुपये में ये पड़ी। मतलब अगर मैं दिल्ली से लेता इसको तो 3,500 में मिल जाती, बट मुझे 200 रुपये महंगी पड़ी। बट मुझे लगा फ्लिपकार्ट ट्रस्टेड है तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने इसे परचेस कर लिया। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि मेरे साथ क्या धोखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का पैकेट और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ है। प्राइस की बात करें तो 3699 मतलब 3700 रुपये में ये वॉच मुझे मिली है। तो इसे कट लगाते हैं और इसे ओपन करते हैं। इसका ऑर्डर मैंने 15 अक्टूबर को किया था और ये मुझे 24 अक्टूबर को रिसीव हुई है, तो मतलब काफ़ी लेट इसकी डिलीवरी मुझे मिली है। तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद इसे ओपन कर लिया है, काफ़ी अच्छे से पैकिंग किया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर इनवाइस मिल जाती है, तो इसे फ़िलहाल रख देते हैं। और यहाँ पर है वॉच का बॉक्स, तो इसे भी कट लगाते हैं और इसको रैप से बाहर निकालते हैं। तो ये रहा वॉच का बॉक्स और यहाँ पर आपको एक कार्ड मिल जाता है जिस पर सेलर की डिटेल दी हुई है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणी प्रोडक्ट के नाम से एक सेलर है जो कि फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो इस सेलर से आपको आगे परचेस करना चाहिए कोई भी सामान या नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल अभी बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको वॉच रखी हुई नज़र आ जाएगी, उसके साथ ही राइट साइड में एक एनवलप मिलता है, डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग एन अमेजिंग लाइफ स्टाइल। तो इसमें आपको स्ट्रैप मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का है, और स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब चीप नहीं लगता है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। तो इसे भी साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या मिलता है। तो यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, तो इसे भी ओपन करके देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ी यूज़र मैनुअल मिलती है, जैसे कि आप लोगों ने और भी अनबॉक्सिंग की वीडियो में देखा होगा। तो इसमें आपको वॉच की फुल डिटेल मिल जाएगी, कैसे इसको चार्ज करना है, QR कोड भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको दी गई है, तो इसे भी रखते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक और स्ट्रैप मिल जाता है जो कि फैब्रिक का है और अच्छी क्वालिटी का है, तो इसे भी आप लगा के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस वॉच में स्ट्रैप चेंजेबल है, तो कोई भी स्ट्रैप आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है, तो यहाँ पर मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है FK78, तो 2 पिन का एक चार्जर है और इसकी मदद से आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो वॉच कोई भी रैप में नहीं मिलती है, तो ये शॉकिंग थोड़ा सा लगा मुझे। और यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मतलब ये वॉच डैमेज है, यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले इसका निकला हुआ है, तो डैमेज प्रोडक्ट आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑन नहीं होगा क्योंकि अच्छा खासा ये डैमेज है, तो इसे ऑन करके देखते हैं कि ऑन होती है या नहीं होती है। तो जी हाँ, ये ऑन नहीं हो रही है, और एक बार इसको चार्ज में भी लगा के देख लेता हूँ, शायद इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि चार्ज होने पर भी ये ऑन होगी। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैंने वॉच को चार्ज पर लगा दिया है और यह चार्ज ले ही नहीं रही है, मतलब ऑन ही नहीं हो रही है, तो ये पूरी तरह से ख़राब है। अब सेलर ने या तो पुराना प्रोडक्ट भेजा है रिप्लेस, मतलब कि किसी का वापस आया होगा वो भेज दिया है, या फिर जानबूझ के ऐसा किया है वो नहीं पता। बट इस सेलर से आप कभी भी अगर परचेस करें तो सावधान रहें, क्योंकि सेलर बहुत से फ्रॉड बैठे हुए हैं फ्लिपकार्ट पे भी। तो फ्लिपकार्ट की गलती नहीं होती है, सेलर की गलती है, क्योंकि कुछ ऐसे सेलर आ जाते हैं जो कि ख़राब प्रोडक्ट भेज के फ्लिपकार्ट का नाम डुबा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी है, मतलब किसी ने इसको यूज़ किया है और फिर वापस किया है, और वही वॉच इसने मुझे वापस भेज दी। बाकी ये वॉच मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ली थी ताकि इसका रिव्यू कर सकूं अच्छे से और आप लोगों के जो सवाल थे उसका जवाब दे सकूं। बाकी अब शायद उसमें थोड़ा टाइम लगे क्योंकि मैंने अभी रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट दी है, तो देखते हैं कि कितने दिनों में ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और मुझे दोबारा से रिप्लेस करके नई वॉच भेजते हैं। तो जैसा रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेलर का फिर से एक बार डिटेल दिखा दिया है ताकि आप लोग सावधान हो जाएँ ऐसे सेलर से। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।